भैया कहाँ गए, काहे तुम ही कह रहे थे कि हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही, हम अपनी कर ले हुए। अच्छा जो ही बात है तो भैया तुम लोग, अरे तुम रुक जाओ, तुमसे नहीं कह रहे हम, अबे हैंगे दो चार मोनी मोड़ा बेकी हमसे कि भैया तुम पहले अपनी वीडियो वायरल करके दिखाओ तब हम माने। अब देखो यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो चैनल पर देखो कितने सेकंड का वीडियो, 33 सेकंड का वीडियो दिख रहा है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल किया कितना व्यूज आया, 1 मिलियन व्यूज आया आया। एंड अंदर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, गो टू एनालिसिस पर, देखो देख लो कितना व्यूज है, 1 मिलियन। कितना ट्रैफिक आ रहा है 48 घंटे में, 11,000 से ज़्यादा। विश्वास अभी भी नहीं है, चैनल खोल लो, सर्च कर लो, शॉर्ट पर क्लिक कर लो, मोस्ट पॉपुलर वाले क्लिक कर लो, 1 मिलियन व्यूज दिख जाएगा। एंड बाकी का और वीडियो उन पर देख लो, लाखों में व्यूज आपको दिख जाएगा। अब मत कहना कि आपका वीडियो वायरल नहीं होता, आप अपना कर लो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ खुद प्रूफ के साथ बनाता हूँ, जो मैं अपने चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ वही आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका चैनल ग्रो करे, आपकी भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, फालतू के कमेंट करते हो, आपको वीडियो तो देखना नहीं है, काम तो करना नहीं है, फालतू के कमेंट करना है कि भाई तेरा हो जाए, तू पहले अपना कर ले। भाई मैं तो अपना कर लूँगा, मैंने ये भी बताया कि हर वीडियो वायरल नहीं होता। अगर हम ठीक तरीके से काम करते हैं तो अगर हम 10 वीडियो डालेंगे तो उसमें से 2 वीडियो वायरल जरूर होंगी, अगर आप ठीक तरीके से काम करोगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उनकी वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाती। भाई नहीं जाती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूट्यूब की वीडियो को शॉर्ट फीड में नहीं भेजना कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फीड में मत भेजो। हम आपकी वीडियो को ऐसी जगह भेजेंगे जहां से आपका व्यूज 100% आएगा। कहां पर भेजेंगे पहले आप मेरा प्रूफ देख लो। मेरी इस वीडियो पर लास्ट 48 घंटे में 11,000 से भी ज़्यादा व्यूज आ रहा है। एंड मैंने अपनी वीडियो को यूट्यूब के सर्च फीड में भेजा, देखो यहां पर लास्ट 48 घंटे में देखो 7700 से ज़्यादा व्यूज आ रहा है लास्ट 48 घंटे में, वो यूट्यूब सर्च से। एंड जो सेकंड जो व्यूज आ रहा है वो आ रहा है यूट्यूब के ब्राउज फीचर से। एंड थर्ड पर जो वीडियो आ रहा है, जो व्यूज आ रहा है वो आ रहा है यूट्यूब के शॉर्ट फीड से। अगर मैं ये सोचता कि मेरी वीडियो यूट्यूब के शॉर्ट फीड में नहीं जा रही है, नहीं जा रही, मैं क्या करूं, तो मेरी वीडियो पर ये 1 मिलियन व्यूज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दोस्त मैं एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हूं कि मेरी वीडियो यूट्यूब शॉर्ट फीड में चली जाए। नहीं जा रही कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी वीडियो को यूट्यूब के सर्च फीड में, यूट्यूब के ब्राउज फीचर में भेजो, आपकी वीडियो पर 100% व्यूज आएगा। मैं यहाँ पर रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा जो ट्रैफिक वो यूट्यूब सर्च से आया 50%, बाकी का जो ट्रैफिक है वो ब्राउज फीचर से आया, एंड जो तीसरे नंबर पर तब आया यूट्यूब के शॉर्ट फीड में। अब दोस्तों मैंने इसमें कौन सा सीक्रेट लगाया जिससे मेरा वीडियो यूट्यूब के सर्च फीड में गया, यूट्यूब के ब्राउज फीचर में गया, कौन सा ट्रिक लगाया मैंने, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों मैं जो भी तरीका आपको बताता हूँ वो पहले मैं खुद अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे उससे कुछ रिजल्ट देखने को मिला तब मैं आपको बताता हूँ। एंड दोस्तों मेरा एक सीक्रेट है वीडियो वायरल करने का, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसे जाने वगैरह आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे तो भाई किसी काम का ये वीडियो नहीं है। इसलिए मेरा सीक्रेट जरूर जानना, मैं कब ये सीक्रेट बता दूं मुझे खुद नहीं पता, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना। मैं वीडियो के बीच में या कभी भी वो अपना सीक्रेट बता दूंगा कि कैसे मैंने इस वीडियो को वायरल किया, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर अपनी वीडियो को यूट्यूब के सर्च फीड में, यूट्यूब के ब्राउज फीचर में कैसे ले जाया जाता है। ठीक है चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना, ठीक है ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ऊपर मिलता है लोगों का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करना है एंड टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड पर आपको क्लिक कर लेना। ये केवल शॉर्ट्स वालों के लिए एक ट्रिक, ठीक है जो भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं केवल उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक है सबसे पहले आपको सर्च बार वाले टैब पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डाला सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। आप जिस भी टॉपिक पर बना रहे हो अपना टॉपिक सर्च कर लेना, मैं वीडियो बना रहा हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर तो देखो काफ़ी सारे लोगों का जो वीडियो है वो देखो यहाँ पर एड से आ रहा है, एड वालों का नहीं देखना हमें। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि इन्होंने जब वीडियो अपलोड किया तो 9 दिन में इनके चैनल पर 43,000 व्यूज आ चुके हैं। इनका लॉन्ग वीडियो है इस वजह से, अगर दोस्तों इनका लॉन्ग वीडियो तो इनका 43,000 व्यूज आया इनके एक कीवर्ड से, तो इनके वीडियो पर देखो 9 दिन में 43,000 व्यूज आया। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखो एक मंथ में मेरे इस वीडियो पर देखो 53,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। अगर मेरे चैनल पर आप विजिट करोगे, बाकी मेरे नॉर्मल वीडियो पर जो व्यूज हैं वो नहीं आते, मतलब कम आते हैं। ये वीडियो देखो, ये भी वीडियो मेरा रैंक कर रहा है, मैं ये भी आपको दिखाने वाला था। देखो मेरा ये वीडियो रैंक कर रहा है, क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि मैंने इनके टैग डाले थे। देखो मैं आपको बता देता हूँ किनके टैग डाले थे मैंने, इनके टैग डाले थे ठीक है, जिससे मेरा ये वीडियो रैंक कर रहा है। अब
दोस्तों आपको करना क्या है, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च कर देना है। यूट्यूब पर आप जैसे ही सर्च करोगे ठीक है, तो आपको पहले नंबर पर जो भी वीडियो दिखे इस पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसके लिंक को आपको कॉपी कर लेना ठीक है। कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अब आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है यू टैग। क्या सर्च करना है? यू टैग, जो मैं बता रहा हूँ वही सर्च करना, यू टैग सर्च कर लेना। जैसे आप यू टैग सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक एप्लीकेशन टैग यू टैग प्रो एसईओ फाइंडर ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है एंड इसको आपको यहाँ पर सर्च कर देना है ठीक है। जैसे सर्च करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले टाइटल को टाइटल पर क्लिक कर लेना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद अपना नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद इसके टाइटल को यहाँ पर पेस्ट करना है। टाइटल में आपको थोड़ा छिड़कन करनी पड़ेगी तभी आपका वीडियो वायरल होगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बनके सब्सक्राइबर रियल प्लस एक्टिव, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बनके सब्सक्राइबर ठीक है, एक घंटे में ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, यानी कि थोड़ा चेंजमेंट किया। अब इस टाइटल को कॉपी करके आपको अपने टाइटल में लगाना है जब भी आप वीडियो अपलोड करो। एंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर मिलता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको पेस्ट कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन से मात्र आपको योर कीरेज वाले जो आपके टैग लगे हुए हैं केवल वही आपको ओपन कर यहाँ से कॉपी कर लेना है। योर कीरेज वाले केवल टैग इसको कॉपी करके आपको अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर लगा देना है। एंड यहां पर आपको इनके जो नाम दिख रहा है ये नाम आपको हटा देने, इनके जो नाम है इनके नाम हटा दो बस आप ठीक है, इनके नाम हटा दो ठीक है। नाम हटाने के बाद आपको क्या करना है, अपना हैशटैग लगा देना है और बाकी के जो हैशटैग इनके लगे हैं इनको कॉपी करके इनको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लगा देना है। ये काम हो गया। अब बारी आती है टैग की, आपको टैग कॉपी कर लेना है। लेकिन कॉपी करते टाइम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इनके चैनल का नाम नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है इस तरीके से कॉपी करना, इस तरीके से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे से कॉपी करना है, दो चार ऊपर से कॉपी करना, फिर आपको नीचे से कॉपी कर लेना, दो चार पाँच आप ऊपर से कॉपी करना, फिर आप नीचे से कॉपी करना ठीक है। इससे क्या हुआ, डिफरेंट हो जाएगा ठीक है। डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो, YouTube ये समझेगा कि आपने अलग तरीके से टैग डाले हैं ठीक है। अगर सेम डालोगे तो भाई आप थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा कॉपी करना। अब इस कॉपी करके इन टैग्स को अपने टैग वाले सेक्शन में डाल देना। ये हो गया आपका अपनी वीडियो का पूरी तरीके से वायरल कराने के लिए YouTube के सर्च फीड में, YouTube के ब्राउज फीचर में ले जाने का पूरा तरीका। यही तरीका मैंने अपनी वीडियो में लगाया था जिससे मेरा वीडियो YouTube के सर्च फीड में गया, YouTube के ब्राउज फीचर में गया। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप किसी भी बड़े क्रिएटर का या किसी भी क्रिएटर का जब टाइटल कॉपी करते हो, इससे क्या होता है आपका वीडियो एक तो YouTube सर्च में जाता है, दूसरा आपका ब्राउज फीचर में जाता है जिससे आपका वीडियो पर व्यूज आता है। अब दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि मेरा सीक्रेट वगैरह अगर आप जाओगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं मेरा सीक्रेट क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरा यस क्या सीक्रेट। देखिए मैं आपको अपना सीक्रेट आपको चेक कराता हूं। देखिए मैं कल की वीडियो पहले ओपन करके आपको चेक कराता हूं मेरा आखिर सीक्रेट है क्या। देखिए काइनमास्टर ओपन किया, देखिए ये मेरा सीक्रेट है वीडियो का। देखिए ये आपने सीक्रेट चेक किया थोड़ा सा, देखो ये था मेरा सीक्रेट। देखो गौर से देखना, ये था मेरा सीक्रेट थंबनेल। मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो अपनी वीडियो में थंबनेल यूज़ करता हूँ। मैंने उस वाली वीडियो में भी देखो थंबनेल यूज़ किया है। अगर गौर से देखोगे, अगर मैं यहाँ पर सर्च कर दूँ टेक्निकल बुखार, देखो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टेक्निकल बुखार ठीक है, टेक्निकल बुखार इस तरीके से अगर मैं सर्च करूं तो यहां पर देखो मेरी उस वीडियो में भी देखो एक थंबनेल लगा होगा। देखो पॉपुलर वाला वीडियो ओपन करूं, देखो लगाना थंबनेल। मैं हर वीडियो में अपना क्लिकेबल थंबनेल लगाता हूं जिससे लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। अब आप भी जब भी अपने वीडियो बनाओ तो आपको क्लिकेबल थंबनेल बनाना है। अगर आपको क्लिकेबल थंबनेल बनाना नहीं आता कि कैसे क्लिकेबल थंबनेल बनाया जाता है एंड कैसे लगाया जाता है, तो आप साइड वाली वीडियो पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने फुल बताया कि कैसे आप क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हो।